है Samsung Galaxy M51 और यह है इसका 25 वॉट का चार्जर। आज हम करने वाले हैं इसका चार्जिंग टेस्ट, क्या ये फोन जो है वो जल्दी चार्ज हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। इसके अंदर हमें देखने को मिलती है एक बहुत बड़ी 7000 mAh की बैटरी। अब 7000 mAh की बैटरी को मैं बैटरी नहीं कहूँगा, वैसे बैटरा कहूँगा, ये इतना बड़ा बैटरा है ये फ़ोन। मैं आपको एक चीज़ बोल सकता हूँ, मेरे को चार्जिंग टेस्ट करने के लिए इसको 0% करना था। अब 0% करने में मेरे को इतनी मेहनत लगी है जिसके मैं यहाँ पे तहत कह सकता हूँ कि इसकी बैटरी बैकअप बहुत ज़्यादा है। 7000 mAh बैटरी डाल के सैमसंग ने इतना बड़ा USP दे दिया है कि जिन लोगों को बैटरी बहुत बड़ी चाहिए ये फ़ोन उनके लिए तगड़ा है भाई साहब। बट यार चार्जिंग के बारे में क्या है, कितनी देर लगेगी इस फ़ोन को चार्ज करने में 0 to 100%। तो मैंने क्या किया, आमतौर पे यार यहाँ पे AC हम जो है वो पूरा दिन नहीं यूज़ करते, और ज़्यादातर जब हम फ़ोन को चार्ज कर रहे होते हैं मोस्टली एक पंखा चल रहा होता है रूम में और एक दो लाइट्स होती हैं, तो मैंने वही यहाँ पे रखा है एक एटमॉस्फेयर, तो उसी हिसाब से इस फ़ोन को मैंने चार्ज करके दिखाया है, तो ताकि आपको नॉर्मल कंडीशन में पता चल सके कि M51 जब चार्ज होता है कितनी देर लगती है। तो मैं आपको थोड़ी देर का अपडेट देता रहूँगा कि ये फ़ोन कितना चार्ज हो रहा है। और साथ में मेरे पास यहाँ पे टेम्परेचर गन भी है मेरे पास, तो भाई साहब जैसे हम कोरोना टेस्ट भी कोरोना के वक्त वो फीवर वीवर टेस्ट करते हैं ना मॉल में जाने, वो भी है मेरे पास, तो इसका हम टेम्परेचर भी चेक करते रहेंगे कि ये गर्म तो नहीं हो रहा। ठीक है, तो आप काफ़ी शॉक भी हो जाओगे और काफ़ी जो भी है सारा कुछ मैं आपको आगे बताता हूँ। तो ये है M51 एंड 25 वॉट का चार्जर का, इसका टेस्ट करते हैं शुरू। तो ठीक है गाइस, यहाँ पे M51 रेडी हो चुका है और हमारे यहाँ पे टाइमर भी रेडी है। टेम्परेचर एक बार चेक कर लेते हैं, वैसे रूम टेम्परेचर कुछ यहाँ पे हमारे यहाँ पे गर्मी ज़्यादा है तो 31-32 डिग्री के आसपास था और फ़ोन भी उसी के आसपास है, 35 डिग्री है, तो ज़्यादा यहाँ पे टेम्परेचर अभी नहीं कह सकते, ह्यूमिडिटी काफ़ी है, बट फिर भी चलो। फ़ैन यहाँ पे ऑन है, AC ऑफ रखा है मैंने, नॉर्मल सिचुएशन। यहाँ पे प्लग इन कर देते हैं चार्जर को एंड ये वही 25 वाट वाला हमारा चार्जर है और इसको मैं चार्जिंग पे लगा दूंगा। देखो यार फ़ोन जो है वो चार्ज पे लग चुका है, कुछ देर के लिए अभी इसको ऑफ पे चार्ज करेंगे एंड थोड़ी देर में मैं इसको फ़ोन को ऑन कर दूंगा, फिर देखते हैं कि क्या होता है सीन क्या नहीं होता है। अभी के लिए आप देख सकते हो यहाँ पे लोगो आ चुका है 1% का, तो चले यार देखते हैं क्या बनता है। अच्छा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना है और बेल बटन भी दबा देना एंड वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। तकरीबन 2 मिनट के बाद यहाँ पे फ़ोन जो है वो 3% पे पहुँच चुका है। तो गाइस कुछ 4.5 मिनट के बाद यहाँ पे 7% बैटरी थी और अभी अब 5 मिनट 18 सेकंड हुए हैं, मैंने सोचा फ़ोन को ऑन कर देते हैं और मैंने वहाँ पे देखा कि 8% बैटरी जो है वो चार्ज हो चुकी थी। ठीक है, तो यहाँ पर सैमसंग गलेक्सी M51 पावर्ड बाय नॉक्स यहाँ पर आ चुका है, तो फ़ोन जो है वो ऑन हो जाएगा, उसके बाद देखते हैं कि कितनी देर लगती है। तो यहाँ पे 10 मिनट 50 सेकंड हो चुके हैं और आप देख रहे हो कि 15% बैटरी जो है वो चार्ज हो गई है। मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा फास्ट है चार्जर, बहुत ही ठीक ठाक स्पीड में यहाँ पे चार्ज हो रहा है, देखते हैं। 7000 mAh की बैटरी भी तो है, तो 11 मिनट के बाद देखते हैं कितनी यहाँ पे हमें टेम्परेचर देखने को मिलता है। तो यहाँ पे हीट तो हो रहा है थोड़ा सा, फ़ोन में को हाथ में भी पता चल रहा था, तो इट्स क्लोज टू 43 degrees, 42.6 हाईएस्ट आया है हमें। तो ये है टेम्परेचर, ओवर हीट नहीं है, इतना चलता है। यहाँ पर हमें 20 मिनट हो चुके हैं और बैटरी जो चार्ज हुई है वो है 23%, आप देख ही सकते हो, तो ये हमारे स्टैट्स निकल कर आ रहे हैं। अगेन मैंने सोचा टेम्परेचर चेक भी कर ही लेते हैं ना, तो यहाँ पे टेम्परेचर जो है वो आपके सामने है 41.3, तो मेरे को इस बार थोड़ा सा नीचे लगा, पिछली बार 42.6 था, 41.5 आया है हाईएस्ट, तो यहाँ पे थोड़ा सा डाउन हुआ है। नाउ 34 मिनट्स एंड 48 सेकेंड्स और यहाँ पर बैटरी जो है वो है 33%, ऐसा लग रहा है एक एक मिनट के साथ 1% बैटरी बढ़ती जा रही है। मैंने 35 मिनट के चार्ज के बाद सोचा चलो टेम्परेचर बैक साइड से चेक करते, तो ये 43 डिग्रीज को टच कर रहा था, फ्रंट से इतना नहीं था बट बैक साइड से ज़्यादा था। इट्स ऑलमोस्ट क्लोज टू 50 मिनट्स और यहाँ पर 43% चार्ज हुआ है, तो मैं देख रहा हूँ यहाँ पर धीरे धीरे स्पीड जो है वो कम होती जा रही है चार्जिंग की। तो गाइस इस बीस्ट को लगा है 1 घंटा पूरे 50% होने के लिए, तो आपको 1 घंटा चार्ज करना पड़ेगा 50% चार्ज के लिए, पर ये 50% चार्ज बहुत लंबा यहाँ तक चलेगा ये तो मैं कह सकता हूँ। इट्स ओके, 1 घंटा 30 सेकंड हो चुके हैं और मेरे सामने 51% यहाँ पे हो गया है।
टेम्परेचर जो है वो अभी लगभग 41 डिग्री के आसपास ही है, तो ज़्यादा नहीं है। तो अभी यहाँ पे तकरीबन डेढ़ घंटा हो चुका है और डेढ़ घंटे में यहाँ पे जो हमारा फ़ोन चार्ज हुआ है वो है 69%। हीटिंग वाला कोई सिम्टम नहीं है, यहाँ पे हीटिंग जो है वो नीचे आती जा रही है क्योंकि चार्जर जो है वो थोड़ा स्लो होता जा रहा है। देखो यार, दो घंटे हो चुके हैं और 83% चार्ज हो चुकी है। अब मैं एक चीज़ तो यहाँ पे कह सकता हूँ कि हम जब चार्ज करते हैं तो मोस्टली हमारे पास 15-20 या 25% बैटरी तो होती है, हम कभी 0% से चार्ज करते नहीं है, बहुत रेयर केस होता है। तो फाइनली ढाई घंटे हो चुके हैं और ढाई घंटे में हमारा फ़ोन जो है वो 95% चार्ज है। मैं तो कहता हूँ वैसे यहाँ पे छोड़ भी दें तो क्या फ़ायदा है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि हमें पता है ये फ़ोन बहुत ज़्यादा चलने वाला है 95% के अंदर। 2 घंटा 37 मिनट में यहाँ पर 99% चार्ज हो गया है। अब देखते हैं इसको 100% होने में कितनी देर लगती है। तो गाइस फाइनली 2 घंटा तकरीबन 40 मिनट में ये फ़ोन जो है वो 100% चार्ज हो गया है। एंड आपको याद ही होगा हमने एसी ऑन नहीं किया था, ये नॉर्मल कंडीशंस हैं जिसमें हम ज़्यादातर रहते हैं, एक पंखा और लाइट्स जिसमें हम फ़ोन को चार्ज लगा देते हैं। तो गाइस आपने देख ही लिया, सैमसंग M51 को लग जाता है कोई 2 घंटा 40 मिनट के आसपास इस 25 वॉट के साथ चार्ज होने में 0 to 100%। अब मैं एक चीज़ कहूँगा, 7000 mAh की बैटरी बहुत बड़ी है, उसके हिसाब से ये जो टाइम तो है वो लगना ही था। बट मैं एक चीज़ कहूँगा, अगर आपके रूम में एसी चल रहा होगा या फिर आप सर्दियों में इसको चार्ज करोगे ये थोड़ा टाइम जो है वो कम लेगा। इस टाइम यहाँ पे मैं कह सकता हूँ रूम टेम्परेचर जो है वो 31-32 डिग्रीज चल रहा था एंड ऑल्सो सिर्फ पंखा चल रहा था तो गर्मी थोड़ी बहुत थी। और ये जो फ़ोन है वो हीट नहीं करता है, ओवर हीट नहीं करता, आपने देख लिया। शुरू में ये थोड़ा सा चला गया था 40 डिग्री के आसपास 42 डिग्री के आसपास, पर धीरे धीरे इसका टेम्परेचर कम होता रहता है क्योंकि अडेप्टिव चार्जर्स का हमें पता ही है, धीरे धीरे थोड़ी सी सप्लाई भी स्लो होती रहती है जिसके कारण थोड़ा इसका जो स्पीड है हमने देखा वो थोड़ा थोड़ा ग्रेजुअली डिक्रीज हो रही थी। तो यहाँ पे डेफिनेटली 2 घंटा 40 मिनट लगे हैं, पर मेरे हिसाब से 7000 mAh की बैटरी का एक फ़ायदा ज़रूर रहेगा। एक बार आपने चार्ज कर लिया तो उसके बाद अपने फ़ोन को भूल जाओ, चार्ज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर मेरे को कोई कहता है 65 वॉट प्लस 45 mAh की बैटरी, तो वहाँ पर आप एक चीज़ सोच सकते हो कि आपका फ़ोन जो है वो ज़्यादा देर चलता नहीं है, चार्ज ज़्यादा चाहे स्पीड से कर देता है, बट ये एक बार चार्ज होने के बाद बहुत देर चलता रहता है। तो मैं इस चीज़ की तो डेफिनेटली ये कहूँगा कि 7000 mAh की बैटरी का अपना फ़ायदा है कि यार यहाँ पर जो बैटरी है वो चलती रहती, इन्वर्टर है ये पूरा, तो आपको जल्दी चार्ज करने की टेंशन नहीं रहेगी। तो ये था सारे के सारा रिजल्ट सैमसंग गैलेक्सी M51 के बारे में। आप बताओ ये आपको कैसा लगा, अगर आपको सही लगा, आने वाले जितने फ़ोन्स होंगे मैं फिर चार्जिंग टेस्ट आपको बना के दिया करूँगा। एंड मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना शाम के रखे ख्याल की स्मेल का नॉर्मल चेक। गाइस लव यू एंड बाय बाय।